ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर आज पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की स्त्रियों के धन भाव के बारे में। इनका धन कैसा होता है, कैसा कमाती हैं, कैसा बचाती हैं, या ये धन अपना खर्च करती हैं या सहेज कर रखती हैं, और यह अपना धन किन किन चीज़ों पर खर्च करती हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया था पुरुषों की कुंडली बनाते समय कि मैं स्त्रियों के भी धन भाव के बारे में बताऊंगा, पुरुषों का जो धन भाव है उससे ठीक विपरीत स्त्रियों का धन भाव है। क्योंकि पुरुषों का तो मैं बता चुका हूँ, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो मिला भी होगा। अब हम स्त्रियों के विषय में बताते हैं। चूँकि स्त्रियाँ, बच्चियाँ, लड़कियाँ जो होती हैं वृश्चिक राशि की, बचपन से इनको भी धन का कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है। पढ़ाई लिखाई में पारिवारिक आर्थिक स्थिति उतनी अनुकूल नहीं होती है, लेकिन चूँकि ये लड़कियाँ वृश्चिक राशि वाली शुरू से ही मेधावी होती हैं पढ़ने लिखने में, यहाँ तक कि ये एक नोटबुक में, अगर इनके पास अन्य नोटबुक नहीं है तो एक ही नोटबुक को दो पार्ट में बना भाग करके तीन पार्ट में सभी विषयों का उसमें कुछ ना कुछ मतलब काम करती रहेंगी। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से धन का सदुपयोग करना चाहिए और कैसे कम पैसे में गाड़ी चलाई जाती है, ये आप वृश्चिक राशि की लड़कियों से समझ सकते हैं, उनकी स्त्रियों से भी समझ सकते हैं वो किस तरह से वो करती हैं। क्योंकि ये मेहनती होती हैं और कोई भी काम में आलस नहीं आता है, इसी कारण से ये धन का हमेशा अधिक मांग नहीं करती हैं। इनके माँ बाप अगर ऐसी लड़कियों को पढ़ा लिखाना चाहते हैं तो वो बहुत कम खर्चे में अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा देते हैं। खाली फीस और आने जाने का, आने जाने में भी अगर स्कूल क्लास कॉलेज बहुत दूर नहीं है तो ये पैदल जाकर अपने पढ़ाई पूरी करती हैं। इसमें इनको ना कोई शर्म आता है ना कोई संकोच आता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनके माता पिता लड़कियों को पैदल जाना अच्छा नहीं समझते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़कियाँ अपना धन बचपन से कुछ ना कुछ बचाती रहती हैं और खर्चा के मामले में ये कंजूस होती हैं। खाने पीने में उसे चटकोर होती हैं, तीखा मीठा खाना इनकी एक आदत होती है, लेकिन ये बहुत कम समय में, जब देखेंगी इनकी सहेलियां खा रही हैं इनको अब दिखा रही हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत दिखावा करेंगी, नहीं तो ये अपने धन को, यानी कि जो पॉकेट मनी इनके माता पिता इनको देते हैं पढ़ाई के दौरान, ये उसमें भी कुछ ना कुछ बचत करती रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वृश्चिक राशि की महिलाएं, लड़कियां किस तरह से धन बचाती रहती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं छोटा छोटा धन बचा के रखेंगी। वैसे ज़्यादातर तो ये अपना धन अपनी माँ के पास बैंक बैलेंस के रूप में जमा करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये थोड़ा इधर उधर भी धन बचा के रखती हैं। यही प्रेरणा, यही शिक्षा इनको जीवन में, जब ये अपनी पढ़ाई यानी 17-18 साल की हो जाती हैं, तब जब ये अपना करियर व्यापार व्यवसाय या नौकरी चुनती हैं, तब उनको खुलकर देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर ये कंजूसी पूरी तरह से त्याग देती हैं। इनको आवश्यकता जहाँ पे है खर्च करना चाहिए, खर्च करेंगी, लेकिन फालतू नहीं। फालतू खर्चा देखा जाए तो जब ये धीरे धीरे इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चे जब पढ़ने लिखने लगते हैं तब ये अपना धन खर्च करती हैं, वो भी अपनी पति से लेकर अपना धन बचा के रखेंगी। ये याद रखिए कि वृश्चिक राशि की महिलाओं के पास धन रहता ही रहता है, वो कहीं ना कहीं अपना कुछ धन कहीं से भी संभाल के रखती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी से ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई देती हैं। कभी कभी तो कुछ महिलाओं को मैंने ये देखा है कि ये धन त्याग देती, यानी नौकरी त्याग के अपने बच्चों का भविष्य बनाती हैं, लेकिन इनको अफसोस नहीं होता है कि इनका महीने का 25,000 50,000 आ रहा था, इनकम बंद हो गया, कुछ नहीं।
और जो महिलाएं नौकरी नहीं त्याग करती हैं या व्यापार बिजनेस में लगी रहती हैं, वो महिलाएं अपने जीवन में दोना काम करती हैं। यानी नौकरी करके आएंगी तो सबसे पहले आराम हराम है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उनकी लिखाई कैसी चल रही है, वो क्या है, क्या कमी है, क्या लाना है। हाँ, बच्चों के मामले में उनको अच्छे सामान खरीदेंगी, ये बात है कि जो पहले ये एक बुक नोटबुक में चार विषय लिखती थी, यहाँ पर ये बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगी। बच्चों का ड्रेस महंगा अच्छा, बैग आदि जो भी है, जूता आदि, साइकिल भी खरीदेंगी बढ़िया कंपनी का। तो क्योंकि इनके बच्चे इनके अंडर में, इनके अनुशासन में आगे बढ़ते हैं, और यही कारण है कि ये बच्चों को धन देती हैं, लेकिन एक एक पैसे का उनका हिसाब रखती हैं। ये जो धन कमाती हैं उस धन से ज़्यादातर ये अपने परिवार का खर्चा बखूबी उठाती हैं। पति का पैसा अगर कहीं किसी अन्य कार्य के लिए सेफ हो रहा है तो ये अपना पैसा घर खर्च में खर्चा करने से संकोच नहीं करती हैं। परंतु ये देखा गया है कि 35 साल के बाद इनका जो धन आता है वो ज़्यादातर पारिवारिक खर्चे में चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये धन कमाने का उपाय करती रहती हैं। साथ ही साथ अपने परिवार का, रिश्तेदार का, आदि लोगों का भी ये बड़ा ध्यान रखती हैं। उनको धन की ज़रूरत पड़ी, इनको पता चला, तो ये ज़रूर मदद करेंगी, और यही मदद इनको आगे चल के समाज में सबसे आगे ले जाता है। परिवार में ससुर हुआ, आदि हुआ सासू के, तो उनको भी ये कोई आवश्यकता है और धन नहीं है उनके पास, तुरंत ये अपना धन व्यय करती हैं, उनके लिए दवा दारू खान पान जो भी चाहिए करती। बस ये अपने लिए कोई विशेष शौक नहीं पालती हैं, इनका एक ही शौक है गहना। ये जब भी अधिक धन पाएंगी कुछ ना कुछ सोने का गहना जरूर बनाएंगी, या सोने का कुछ ना कुछ कॉइन आदि खरीदती हैं। इसके अलावा ये अपने पैसे को बैंक में बहुत सेफ सहेज कर रखती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर कभी इनका जब भी पिटारा खुलता है तो वो जादू का पिटारा होता है, यानी धन बहुत अधिक रहता है, और उस धन से कोई बहुत बड़ा कोई काम रुक गया तो तुरंत ये काम करेंगी, तब वो अपना पैसा। लेकिन यहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ अंश बचा के रखती हैं, इसलिए ऐसी महिलाएं अपने मुसीबत के समय कभी भी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की नौबत इनको नहीं आती है। वैसे तो ये दूसरे से मांगना अपने बिल्कुल भी आत्महत्या के समान है, ये मांगना बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, लेकिन चूंकि लेन देन चलता रहता है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हो भी सकता है, परंतु ये दूसरों को देना पसंद करती हैं, दूसरे से मांगना तो इनको कदापि अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले, जैसे इनकी मृदुल स्वभाव होता है, मृदुल भाव होता है, ऐसे ही अपने परिवार, सास ससुर आदि, इसके अलावा ये अपने मायके के भी लोगों का पूरा ध्यान रखती हैं। भले ये अपने ससुराल में रहें, लेकिन मायके में किसको क्या बात है, कहाँ किसको कमी है, भाई का विशेष, भले ही अपने भाई को धन का लाभ ना दें, लेकिन उसको अपने मम्मी पापा से दबाव डाल के उसका कोई रुका हुआ काम है या कुछ उसको चाहिए ज़रूरत है दिलाएंगी। इनके माता पिता भी इनकी बहुत बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, और इनके सास ससुर भी इनका सम्मान करते हैं। पति के मामले में यह है कि पति कभी कभी थोड़ा इनका कम सम्मान करते हैं, लेकिन यह है कि इनकी बात मानते ज़रूर हैं, और ये थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होती हैं। अगर ये व्यापार में उतरती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन होती हैं। आप देखेंगे कि इस राशि की महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी सम्मान उच्च घराने में जाती हैं, और ये बिजनेस से अपना उच्च का नाम कोटि अर्जित करती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं जिस क्षेत्र में भी जाते हैं ये अपने सबसे ऊंचे पद पर जाती हैं। इसलिए धन के क्षेत्र में देखा जाए तो वृश्चिक राशि की महिलाएं धन कमाती भी खूब हैं और बचाती भी खूब हैं। ये उड़ाने वाली कुंडली वृश्चिक राशि वाली महिलाओं में बिल्कुल नहीं आता है, ये हमेशा धन बचा के और हमेशा दान धर्म खूब करती हैं। ये एक बात इनकी यही कमी है, या विशेषता कहा जाए कि ये दान धर्म में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगी। पूजा कराएंगी, अगर
घर में पंडित पुरोहित आया है तो उसको 1000 की जरूरत है, 1100 लो, 2100 लो, मतलब कोई भी, वो उसने मांगा नहीं, उससे ज़्यादा ही देके प्रसन्न करती हैं। और इससे इनको आत्मसंतुष्टि भी बहुत होती है और भगवान की कृपा है कि इनको ऐसे ऐसे दूरस्थ गूढ़ धार्मिक स्थलों का तीर्थ करने को भी मिलता है, जो बहुत से लोगों के लिए बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए ये अपने धन का सदुपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर करती हैं। सामाजिक कार्यों में भी ये सबसे अग्रणी मानी जाती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि की महिलाएं धन कमाती भी हैं और उसका सदुपयोग भी करती हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने वृश्चिक राशि की महिलाओं के विषय में जो धन भाव के बारे में बताया है, उसको अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।